नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। प्रखंड क्षेत्र में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हर्षोल्लास के साथ मनाया छठ पर्व। चांदन पान का लोक आस्था का महापर्व चार दिवसीय छठ पूजा आज गुरुवार को श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया। इस दौरान चांदन के कलुआ नदी स्थित छठ घाट पर छठ व्रतियां सुबह 4 बजे से ही घाट पर पहुंचकर सूर्य उगने के इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष सरकार द्वारा लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। पूरा प्रखंड क्षेत्र छठ पूजा के मधुर गीत नाचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए उग उग हो सुनचू देवा जल बीज खड़ा पानी इत्यादि लोग गीतों से गुंजायमान रहा। इस दौरान पूरे रास्ते कुछ व्रती अपने घर से जमीन पर लेट कर दंडवती करती हुई छठ घाट तक पहुँचे। भैरवगंज कुसुम जोरी कुम्हरा तारी लालपुर इत्यादि छठ घाटों पर छठ व्रती श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के मंगल कामना सुख समृद्धि को लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को संपन्न किया, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू करने के लिए छठ घाटों पर दंडाधिकारी तैनात की गई और घाट के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाया गया, जिससे किसी प्रकार की छठ व्रतियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर कोलवा छठ घाट पर चांदन थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मौके पर चांदन थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार और अनि रविंद्र कुमार अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता उमाकांत शाह की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।